जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? लेट्स वेट फॉर द मेंटोर, ही इज जॉइनिंग अस। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम सलमान लतीफ़ है और मैं इनेबलर्स को लीड कर रहा हूँ हैदराबाद में। आज हमारे साथ हैदराबाद के वर्क मेंटोर, यहाँ के स्टूडेंट और अब ये ट्रेनर भी बन गए हैं, शहरयार खान मौजूद हैं। आई एम एडिंग शहरयार खान इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शहरयार खान? आपके ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र। मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा रहा था अपनी ऑडियंस से कि आप हमारे स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं बीए मास्टरी के। सिंस 2 इयर्स यू आर स्टूडेंट एंड देन आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो एबिलिटी है, उसको देखते हुए वी मेड यू SSM एंड देन यू अचीव वर्क मेंटोर एंड देन फाइनली यू आर आवर फ्रीलांस ट्रेनर। सो जी वेलकम टू द शो शहरियार। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतनी अचीवमेंट्स के बाद आप जो है जहाँ स्टैंड करते हैं, यू आर इन फ्रंट ऑफ ऑल दी ऑडियंस हेयर। मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी बताएं कि जब आपने ज्वाइन किया, व्हाट वाज योर एक्चुअली स्ट्रेटजी टू रीच टारगेट्स जहाँ जहाँ आप इस वक्त स्टैंड करते हैं, तो क्या कहाँ आप समझते हैं अपने आप को? एंड 2 साल पहले आपने क्या सोचा था और अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? और क्या आपने जो प्लानिंग की थी,
कि आप 2 years आफ्टर यू विल बी स्टैंड हेयर, सो इस बारे में अपनी जर्नी के बारे में कुछ हमें बताएं, एंड देन वी विल आस्क यू अबाउट दी क्लाइंट विनिंग स्ट्रेटजी एज वेल। थैंक यू सो मच सर राइटिंग मी। अच्छा सर, स्टार्ट में जब हमने कोई स्टार्ट लिया था एनेबलर से, तो हमने पहले EVS देखी थी, और उसके बाद फिर हमने कोर्स से जो कि FBMST को ज्वाइन किया, उसके बाद फिर SSM, फिर वो की जो जर्नी है वो ट्रेनर की जर्नी वो, और फिर इंशाल्लाह भी फिर ये फ्रीलांस की जर्नी। सर स्टार्ट जो लिया था वो शुरू में क्या होता था कि मैं शुरू से इस ई कॉमर्स के रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो पीछे से फैमिली है वो सारा ज़्यादातर क्या है कि बिज़नेस के ऊपर वो करता है, तो क्या कि मेरा भी कुछ ऐसा माइंडसेट था, तो मैंने ये ऐसा सोचा कि हम वाई नॉट डिजिटल, क्योंकि क्यों ना हम डिजिटल जो वर्ल्ड है उसकी तरफ जाएं। तो फिर मैं इसकी तरफ मूव हुआ, तो फिर मुझे एनएबलर्स का पता लगा, फिर मैंने ईवीएस लिया, फिर मैं थोड़ा बहुत इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद में 1-2 दिन हमने मतलब जो वोर के वो ज्वाइन किया था, उसके बाद क्या हुआ फिर हम एनएबलर्स आ गए, यहाँ हमने कोर्स ज्वाइन किया और यहाँ से कोर्स किया। सर जो क्लाइंट का वो था, तो क्लाइंट का क्योंकि मुझे पता था ऑलरेडी, मेरी जो नेटवर्किंग थी वो थोड़ी बहुत स्मार्ट थी लोगों के उसमें ना, कि मैं लोगों के साथ जब बैठता था तो क्या है कि उनसे मैं उनकी स्ट्रेटजीज वगैरह पूछता रहता था। मेरी एक आदत थी कि वो किस तरीके से मतलब क्लाइंट को किस तरीके से विन करते थे या क्या। हमारे पास जब मैं वोर का खैर स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैं वहाँ जो हमारे सीनियर होते थे तो उनसे मैं अटैच ही रहता था, तो उनसे मैं पूछता था, तो वो अपने तरीके वगैरह बता रहे थे। तो क्या हुआ कि जब मेरी तीसरी क्लास थी तो आई गोट माई फर्स्ट क्लाइंट, और उसके बाद फिर ऐसे क्लाइंट आना शुरू हो गए। फिर देन आई क्रिएटेड माई एजेंसी, एजेंसी मैंने फॉर्म की, और उसके बाद हमारी एजेंसी जो चलना शुरू हो गई। सर जो सबसे बड़ा इशू है जो आता है सब लोगों के साथ आता है, वो इशू ये आता है कि सर क्लाइंट नहीं मिल रहे। सर क्लाइंट किस तरीके से मिलेंगे, कि क्या है कि हमारे पास रोड मैप तो होता नहीं है, कंसिस्टेंसी हमें होती नहीं, हम थोड़े बहुत पीछे रह जाते हैं, और क्या है कि हम स्मार्टली कहीं ना कहीं प्ले नहीं करते उस जगह पे ना। क्या है कि क्लाइंट क्या चाहता है कि क्लाइंट को वो बंदा चाहिए जो कि अगर वो $20,000 कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो वो किसी सही बंदे पे लगाएगा, लाजमी है। अब तो वो उस बंदे पर तो नहीं लगाएगा जो कि बिल्कुल नया है, या मिसाल के तौर पर जिसने ईवीएस देखी हुई है उस तो वो नहीं लगाएगा। अब अगर जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो लाजमी उसको ही देगा, बट क्या है कि जो न्यूबी है वो किस तरीके से क्लाइंट अर्न करेगा, तो यहाँ मसले बहुत आते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना क्या किया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अपवर्क, फाइवर, इसको अच्छे से रेडी किया। क्या है कि अपवर्क भी कोई कुछ SEO मांगता है, फाइवर भी कुछ SEO मांगता है, तो उसको मैंने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया। प्लस आपका जो लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है और जो फेसबुक है, ये भी आपके कहीं ना कहीं SEO वगैरह मांगता है, ताकि अगर कोई भी किसके रिलेटेड बंदा सर्च करे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल वहाँ शो हो रही है। क्लाइंट विनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी प्रोफाइलिंग है, कि आप प्रोफाइलिंग किस तरीके से करते हैं, आपकी जो प्रोफाइल है वो कितनी मतलब प्रोफेशनल है। अगर कोई क्लाइंट आता है, अगर मिसाल के तौर पर आपने कहीं कमेंट किया हुआ है, तो कमेंट के नीचे लाजमी एक क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट भी आपके कमेंट्स वगैरह देख रहे होते हैं, ऐसे ही होता है। जब क्लाइंट आपकी कमेंट देखते हैं तो आपकी प्रोफाइल भी आते हैं, तो आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो क्लाइंट देखे और वो कोई भी मार्केट प्लेस में काम करना चाहे तो आपको कम से कम रीच करे। और जब क्लाइंट आपको रीच करे तो क्या है कि फिर आपने पकड़ लेना सीनियर का हाथ, क्योंकि सीनियर ही आपकी हेल्प करता है, या आपने मेंटर का हाथ पकड़ लेना, क्योंकि ये जो एनेबलर्स है, एनेबलर्स की मेंटोरशिप वैसी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि जहाँ भी देख लो एनेबलर्स किसी भी हाल में अपने स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ता। हमारे स्टूडेंट्स की बात करते हैं, मतलब जो पुराने थे या नए थे अभी तक मतलब कॉन्टेक्ट में हैं, और हम उनकी हेल्प करते हैं। क्या कि आप क्या करें अगर न्यू भी हैं, जैसे कि EVS देखी हुई है, फिलहाल हम EVS वाली भी बात कर रहे हैं, तो क्या है कि अगर उन्होंने EVS देखी है तो क्या है कि वो वर्क ज्वाइन कर लें, वर्क ज्वाइन कर लें, और वो फिर किसी की सीनियर का हाथ पकड़ लें। फिर क्या होता है कि हम जो मोस्टली क्या करते हैं कि हम एक ही उस पर लगे रहते हैं कि आई एम अवेलेबल, आई कैन असिस्ट यू, एंड आई एम इंटरेस्टेड, या आपने या मैंने आपको इनबॉक्स कर दिया है। तो ये क्या होता है कि क्लाइंट इतना फ्री नहीं होता है कि वो आपका इनबॉक्स देखे। ऐसा ही सर, अगर मिसाल के तौर पर मैं कोई पोस्ट करता हूँ, मैं इनबॉक्स नहीं देखूंगा, मेरे को मैं वो बंदा चूज करूंगा जिसकी मुझे स्ट्रेटजी समझ आएगी। ऐसा ही है। अच्छा अब क्या है कि सबसे पहले आपके पास होता है रोड मैप, उसके साथ साथ आपके साथ एक चीज होनी चाहिए विच इज कंसिस्टेंसी। जिस बंदे के अंदर कंसिस्टेंसी है उसके लिए क्लाइंट विनिंग बहुत ईजी है। ये सर हमने खुद एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, जैसे अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स को, वर्क स्टूडेंट जो 3 स्टूडेंट हैं, असीब, निहाल और सिराज,
उनको अभी ही क्लाइंट मिला है, उनको मैंने क्या किया था, उनको थोड़ा प्रॉपर से टाइम दिया था, और उनको मैंने जो मेरी स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से मैं क्लाइंट लेके आता था फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या कोल्ड ईमेलिंग वगैरह, वो उनको मैंने दी, और उनको मैंने क्या किया, वो डेली आते थे मुझसे डिस्कस करते थे, और उनको उसी तरीके से वो क्या थे कि वो कंसिस्टेंट रहते थे और उनको उस तरीके से क्लाइंट मिल गए। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि जो कमेंट आ रहे हैं उनका वो प्रॉपर जवाब दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर जवाब जहां नहीं देते तो वो क्लाइंट वो इंटरेस्टेड नहीं होता आप में, क्योंकि आपके पास रोड मैप नहीं है, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है। अच्छा, अगर पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो अगर कोई नया बंदा है तो आप उससे एक्सपीरियंस मांगता है आपसे क्लाइंट, तो आप क्या करें, किसी भी सीनियर के पास जाके बैठें, उससे कहें कि आपने जो प्राइवेट लेबल किया है या आपने होलसेल किया है, क्या मुझे बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा था, अगर कोई बैड एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर करें, अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर करें। वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेगा, वो एक्सपीरियंस आप जब अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे तो वो कहेगा वाकई इस बंदे के पास नॉलेज है, इसने काम किया हुआ है। विदाउट सीनियर यू आर नथिंग, कहे कि जब तक आपके पास मेंटोरशिप नहीं है, आप यूट्यूब से सीख लेंगे, ईवीएस से सीख लेंगे, बट क्या है कि आप चलो फेसबुक पे कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, बट क्या है कि फिर भी आपको किसी डायरेक्शन की नीड पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए आप सीनियर का हाथ पकड़ लें, आपको पोर्टफोलियो भी हाथ में आ जाएगा। क्या है कि फिर आपने थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखें, महीने के अंदर दो महीने के अंदर आपको क्या होता है कि आपको क्लाइंट्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। क्लाइंट ढूंढना मुश्किल नहीं है, मुश्किल जो है वो सिर्फ लर्निंग है और इस काम से अटैच रहना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, और जब डीमोटिवेट होता है तो वो क्या करता है, वो काम नहीं कर पाता सही तरीके से, और वो पीछे हटना शुरू हो जाता है कि नहीं क्लाइंट नहीं मिल रहे, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। कि डीमोटिवेट जो बंदा हो जाता है ना इस फील्ड में, बहुत सी इनके सर सर रीज़न भी होते हैं, उसके पीछे रीज़न जो होते हैं, यूनिवर्सिटी हो गई, उनकी जॉब हो गए, या कोई घर के काम हो गए, इस वजह से भी बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। बट क्या कि ये फील्ड कुछ ऐसी है अमेजोन की, इसमें आपको पहले तो करनी है लर्निंग, जब आपके पास लर्निंग होगी उसके बाद आपके पास रोड मैप होना चाहिए। अगर सर आप मेरे पास आते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे पास $20,000 बजट है, आपका अगर $20,000 बजट है, अब मुझे पता नहीं है कि आपका मैं $20,000 जो वो किस तरीके से इन्वेस्ट करूंगा, तो आपके आप मुझे हायर नहीं करेंगे, ऐसा ही है। जब मेरे पास पूरा रोड मैप होगा, जब मेरे पास सीनियर्स की या मेंटोर्स की केस स्टडी होंगी, तो मैं उनको जब बताऊंगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, जब सेटिस्फाई होगा तो वो मुझे हायर कर लेगा, उसमें काम करना शुरू कर दूंगा। अच्छा, अब थोड़ा बहुत इंस्टा पे आ जाते हैं। सर इंस्टा का ऐसा है कि इंस्टा पे आपको सेलर तो बहुत सारे मिल जाते हैं, आपको वहाँ सिर्फ ग्रुप्स नहीं मिलते। तो इंस्टा पे आप जाएं, मिसाल के तौर पर हम एनेबलर्स की लेते हैं मिसाल, एनेबलर्स का एक पेज है इंस्टा पे, तो आप उनको क्या है कि उनको जो जो लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या एनेबलर जिसे फॉलो कर रहा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर जिसके गोरे हैं, कुछ गोरे हैं जो एनेबलर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या करें, उनको आप मैसेज कर सकते हैं। क्या है कि आप अच्छे से एक ईमेल बना लें, अच्छा सा अपना टेम्पलेट बना लें, आप उनको क्लाइंट को डायरेक्ट रीच करें, पहली चीज ये। दूसरा क्या है कि आपका लिंक्डइन भी इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि जो भी बंदा आपकी प्रोफाइल पे आया और वो कहे कि वाकई ये बंदा है जो काम कर रहा है, आप वहां पर आपको इतने ग्रुप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, सिंपल नेटवर्किंग करनी है। इस फील्ड में आप अगर नेटवर्किंग से पीछे हट गए ना, तो आप इस फील्ड में नहीं है। या ये फील्ड ऐसी है जहां आपने जगह जगह नेटवर्किंग करनी है, मतलब जो बंदा मिले, सीनियर मिले, उससे मतलब उसकी दो तीन चीज़ें पूछ लें, कोई दूसरा बंदा मिले उसे दो तीन चीज़ें पूछ ली, जब आप चीज़ें पूछते रहते हो ना, तो फिर क्या है कि आपको अल्टीमेटली उसका फ़ायदा होता है। ऐसा फ़ायदा होता है कि अगर उस साल के तौर पर इसके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपकी तरफ रेफर कर देगा। और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनको कभी जाने नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप कंसिस्टेंट रहे, आपको क्लाइंट मिल गए, तो आप क्या होता है कि बहुत सी जगह आप क्लाइंट को क्लाइंट विनिंग छोड़ भी देते हैं और आप एग्जिस्टिंग पे मतलब फोकस करते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ एग्जिस्टिंग जो है उस पर ही फोकस रखें, और साथ साथ में आपके न्यू क्लाइंट्स भी आने चाहिए। हाँ, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप क्या करें, आप वर्क है हमारे पास, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से आप बंदे हायर करें, वहाँ आपको पता भी होता है कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप अपने साथ अटैच कर लें, उनको आप हायर कर लें। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी नेटवर्किंग जो है, सोशल मीडिया की जो नेटवर्किंग है वो भी स्ट्रांग होती रहेगी, जो फिजिकल नेटवर्किंग है वर्क के अंदर वो भी बहुत स्ट्रांग होती रहेगी। जब आपकी नेटवर्किंग जो है स्ट्रांग हो जाती है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये पूछना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो
क्लाइंट्स को विन करने की कोशिश करते हैं, उसमें कितनी इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स का होना और ट्रस्ट वर्थी क्लाइंट को समझना, कि ये समझ जाना कि ये क्लाइंट जो है वो ट्रस्ट वर्थी है और ये क्लाइंट नहीं है, तो उसकी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स, क्या ऐसे इंडिकेटर्स हैं ऐसे जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्लाइंट हमारा ट्रस्ट वर्थी क्लाइंट है एंड ये एक्सपीरियंस क्लाइंट है और ये सीरियस क्लाइंट है हमारा. तो हाउ वी सही कैन सही आइडेंटिफाई वाइल डिस्कसिंग और चैटिंग और ऑन कॉल, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दीज थिंग्स. कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ऑफ कोर्स बात करने से अंदाज़ा होती हैं, तो किन बातों बिल्कुल। से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्लाइंट ट्रस्ट वर्थी है? अच्छा सर, पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करें कि उनसे आप उनका बजट पूछें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आप उनसे उनका गोल पूछ लें। क्या है कि जब क्लाइंट का गोल हमें पता होगा तो हम काम करने के लिए रेडी होंगे। बट क्या है कि जब क्लाइंट ट्रस्टवर्थी नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो क्या करते हैं, बहुत से क्लाइंट आते हैं जान छुड़ाते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे ही करते हैं कि जानबूझ के कोई ना कोई बहुत से बंदे हैं जो कि पोस्ट करते रहते हैं, ऐसे ही होता है सर। अब क्या है कि अब हमने सबसे पहली चीज जो है ना वो कंफर्म करनी है कि आपका जो बजट है वो कितना है। उसके बाद क्या है कि आपका आपने प्राइवेट लेबल करना है या होलसेल करना है, पहली चीज ये। दूसरा है कि आपका अकाउंट रेडी है या नहीं। हाँ जी, अगर आपका अकाउंट रेडी है, आप मुझे अगर हायर करना चाह रहे हैं तो आप मुझे पहले चाइल्ड एक्सेस दे दें, पहली चीज ये। क्योंकि सर जब हमारे पास चाइल्ड एक्सेस होगा, उनकी क्रेडेंशियल्स होगी, तो मतलब हमें पता लग जाएगा ये जो क्लाइंट है ये ट्रस्टवर्दी है, पहली चीज ये सर। दूसरा क्या होता है कि सर लोग पीछे हट भी जाते हैं, जैसे कि क्लाइंट है, क्लाइंट काम करवाता है और चला जाता है। तो सर ये तो एक्सपीरियंस आपने लेना ही है, क्योंकि ये नहीं कि बैड एक्सपीरियंस हमारे साथ नहीं हुए, हमारे साथ भी बहुत बैड ये बैड एक्सपीरियंस हुए हैं, स्कैम्स भी बहुत सारे हुए हैं और क्लाइंट के साथ भी स्कैम होते रहते हैं। बट क्या है कि आपने उनका क्या है कि जब क्रेडेंशियल आपके हाथ में होगी तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा कि ये क्लाइंट जो ये ट्रस्टवर्दी। दूसरा क्या है कि आपको कम्युनिकेशन में आपने दो तीन चीज़ें जो मैंने अभी ये बताई दी है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसका गोल पूछ लें, उनका बजट पूछ लें। जब आपको वो बजट बता दें तो आप क्या करें, उनको आप अपना रोड मैप बता दें कि अगर आपका बजट इतना है तो इस रोड मैप के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो देन वी विल बी सक्सेसफुल। अगर थोड़ी भी मतलब मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट क्या होते हैं, बहुत से बोलते हैं कि बस जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। क्योंकि अगर सिर्फ होलसेल की बात करें तो होलसेल भी कहीं जल्दी नहीं होता है, इतना जल्दी नहीं होता है, अप्रूवल्स में भी टाइम लगता है। अगर हम प्राइवेट लेवल की बात करें तो प्राइवेट लेवल कोई छोटी चीज़ नहीं है, उसमें भी टाइम लगता है। तो अगर आपको उसकी बातें समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप जाएं। क्योंकि बहुत से क्लाइंट क्या होते हैं कि आपको तंग भी कर रहे होते हैं, इस तरीके से तंग कर रहे होते हैं कि मेरा काम जल्दी कर दो, आपने अभी तक मेरा काम नहीं किया है। तो इस चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, ये लाजमी चीज़ें हैं। क्योंकि क्या है कि साथ साथ हमारी हेल्थ भी ज़रूरी है। अगर हम क्लाइंट विनिंग कर रहे हैं और क्लाइंट का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब उसने मुझे 24 आवर उसने मुझे हायर कर लिया है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि उससे जो पहले पहले आपने चीज़ें तो रखनी है, फिर दूसरी चीज़ आती है कि सर उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट बीच में कर लेना है। कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, हम सिर्फ टैक्स की बेस पे चल रहे होते हैं। और ये क्या करता है कि ये एक बहुत बुरी चीज़ है हमारे लिए। क्या है कि हमें मतलब अगर मैं मिसाल के तौर पर उसके ऊपर कोई चीज़ या फेसबुक पर पोस्ट भी कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो बीच में ट्रस्ट वर्दी के लिए या ट्रस्ट के लिए बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट होना ही बहुत लाजमी है, ऐसा है। अच्छा, तो इस हम जो कंक्लूजन पे पहुँचे वो ये क्या है, तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए और आपको सोशल जी मीडिया बिल्कुल पर एक्टिव और एक अच्छी प्रोफाइल के साथ ऑनलाइन रहना होना चाहिए और आपको कम्युनिकेट अच्छा करना आना चाहिए. और अच्छा, ये तो हो गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपवर्क और freelancer.com, fiverr.com के हवाले से भी कोई स्ट्रैटेजी बताएं कि मींस जब हम स्टडी करते हैं तो उसके बाद हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, ऑफ कोर्स फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम तो ठीक है, एक ओपन प्लेटफॉर्म्स है, बट जहाँ स्क्रो एग्जैक्टली बीच में आ जाता है वहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी हो क्लाइंट को, मतलब क्लाइंट को विन करने की, वहाँ हम किस टाइप की प्रोफाइल बनाएं, हमें क्या क्या चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमें ये पॉइंट्स अपनी प्रोफाइल में रखने चाहिए. अच्छा जी। सर अगर हम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारे पास अपवर्क और फाइवर है, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं फिलहाल, तो हम ज़्यादातर इसी पे बात करते हैं। क्या है कि अपवर्क जो है वो भी थोड़ा बहुत एसईओ का गेम है, और जो फाइवर है वो ज़्यादातर कीवर्ड्स का गेम है ना।
मतलब एसईओ कोई गेम है, जितना आपके अगर आप कीवर्ड अच्छे यूज करते हैं, कॉम्पेटिटिव ना हो, कोई अच्छे कीवर्ड हो जो कि लोग सर्च भी कर रहे हो उस हिसाब से। दूसरा क्या है कि आपके पास वहाँ रिव्यूज होना मस्ट है। अब रिव्यूज कैसे आएंगे, सबसे पहले सवाल ये आता है कि मैं फेक रिव्यू ले लूँ, तो फेक रिव्यू ना लें आप। आप क्या करें, जो आपके क्लाइंट है ना, क्लाइंट हैं, अब उनको बोले आप मुझे 5 रुपये पेमेंट कर दें, उसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत कटौती होगी, बिल्कुल मतलब 20% काटता है, 30% काटता है, जितने भी काटता है। उससे क्या है कि आपकी जो फ्रीलांस की जितने भी प्लेटफॉर्म है, मिसाल के तौर पर अपवर्क या फाइवर है, ये आपका बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी आपका साथ साथ पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि क्लाइंट मेरे पास इंस्टा पे, ये इंस्टा से आ रहे थे, फेसबुक से आ रहे थे, लिंक्डइन से आ रहे थे, अब दो जगह और हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ मेरे पास पोर्टफोलियो बन गया है, अपवर्क भी अच्छा हो गया है मेरा, और सर मेरा फाइवर भी अच्छा हो गया। वहाँ आपके पास रिव्यूज भी पॉजिटिव होने चाहिए, और साथ साथ में आपकी वहाँ भी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है, यानी कि प्रोफाइल मैटर नहीं करती, अपवर्क की भी, आपकी जो जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो आप किस तरीके से दे रहे हैं, अगर आप जो आप पर आवर चार्ज कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब उसमें आप क्या दे रहे हैं जो आप मतलब पर ये पर आवर इतना चार्ज कर रहे हैं। दूसरा फाइवर, फाइवर में सर ऐसा है, फाइवर में क्या है कि कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन के साथ साथ सर वहाँ क्या है कि लोग वहाँ स्कैम भी होना शुरू हो गए हैं। तो क्या है कि वहाँ भी हमने ऐसी अच्छी प्रोफाइल बिल्ड कर देनी है जो अगर आप इमेजेस यूज करें, अगर फाइवर की बात करें तो वहाँ आप 3 इमेजेस लगा सकते हैं, तो आप वहाँ मेन इमेज अपनी अच्छे से लगा रहे हैं। पीछे क्या है कि आप अपना जो 2 इमेजेस हैं वहाँ आप अपना जो भी आपने काम किया है या पास्ट एक्सपीरियंस है आप वो उसको यूज कर सकते हैं। बाय द वे आप उसमें वीडियो भी यूज कर सकते हैं अपनी। तो क्या होगा, इससे आपकी क्या है, साथ साथ में जो फाइवर की प्रोफाइल है वो भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, और जो आपकी अपवर की प्रोफाइल है ये भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। और ये दो प्रोफाइल है जो है ये मस्ट है, ये प्रोफाइल है ये बहुत मस्ट है अगर आप इस फील्ड में हैं तो। ओके सो व्हाट इज द कंक्लूजन इसके, जो भी शहरियार ने अभी बातें की हैं हमसे, वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स एंड हमें फॉलो करनी है वो चीज़ें। तो सिमिलरली हमारा जो है वो ये सेशन जो है क्लाइंट विनिंग स्ट्रेटजी पे था, और होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने कि क्लाइंट को किस तरह से विन किया जाता है। हमारा अपकमिंग बैच फ्रीलांसर का 11 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। सो इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद इनेबलर्स और ट्रेनिंग सेशन जो कि स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यू कैन लर्न हाउ टू प्रोवाइड सर्विसेज। इसमें क्लाइंट विनिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से भी बताया जाएगा, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के हवाले से भी बताया जाएगा, प्राइवेट लेबल एंड होलसेल के हवाले से भी बताया जाएगा। सो हमारा 11 मार्च को फ्रीलांस बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एनरोल होकर और इन स्ट्रेटजीज के बारे में सीख सकते हैं, और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट जैसा कि शहरियार खुद हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं और फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं सिंस 2 ईयर्स एंड सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं, तो यू कैन ऑल्सो अर्न। आई वुड लाइक टू आस्क शहरियार के वन मोर क्वेश्चन के, हाउ मच हैव यू अर्न सो फार, और कितनी स्ट्रगल के बाद आपने अर्निंग स्टार्ट की, एंड हाउ मच यू आर नाउ सपोर्टिव टू योर फैमिली, ताकि हम जितने भी ऑडियंस हैं उनको ये भी हम दिखा सकें या बता सकें कि इसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना है, और एक 6 मंथ्स या 1 ईयर में आप कितना इनकम स्ट्रीम, किस इनकम पर आप स्टैंड कर सकते हैं, और क्या क्या आपकी इनकम स्ट्रीम मल्टीपल किस तरह से बन सकती हैं, नॉट ओनली कनेक्ट विद द सिंगल क्लाइंट बट मल्टीपल क्लाइंट्स को कनेक्ट करके आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ये मैं चाहूंगा कि आप इम्पोर्टेंट चीज ये है ये हमारी ऑडियंस को बताएं। एंड देन वी विल सी एनी इफ देयर वुड बी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट्स, देन वी विल टेक दोस क्वेश्चंस एज वेल। सर स्ट्रगल तो खैर सभी करते हैं, सिर्फ सक्सेस नहीं होती, साथ साथ में स्ट्रगल भी होती है। क्या होता है कि आपने बहुत सारा काम करना होता है, बहुत सारा से मुराद है कि आपने स्टार्ट में जो है ना मतलब 10 मैक्सिमम 10 घंटे या 12 घंटे इस फील्ड को देने होते हैं। अब बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे, 10-12 घंटे मैं क्या सिर्फ अमेजोन को देता रहूंगा, नहीं उस सिर्फ अमेजोन नहीं है ना, साथ साथ में आपके क्लाइंट्स भी हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ घंटे डिवाइड कर देने हैं काम के लिए, कुछ घंटे डिवाइड कर देने हैं आपने लोगों को सिखाने के लिए। क्या है कि आपके पास टिकटॉक है, आपके पास एनेबलर्स का अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, मतलब एनेबलर्स के अगर आप देखें ना 14 लाख कुछ मेंबर हैं ऐसे ही है, अपनी वीडियो बनाए यहाँ पोस्ट करते रहे, पहली बात। दूसरे क्या आपके पास इंस्टा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्लाइंट को गेट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा क्या है कि मैं भी कुछ ऐसा ही करता था, कुछ 10 घंटे 12 या 14 घंटे
स्टार्ट में देना स्टार्ट हो गया, फिर क्या हुआ कि एक एजेंसी फॉर्म करी, और फिर हमने क्या किया कि एक अब क्या होता है कि सर हम इतना फेसबुक को नहीं देखते, क्यों? क्योंकि सर कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं कि आपके पास आप ऑलरेडी अगर हमारे क्लाइंट हैं तो अगर आपका मैं काम अच्छा करूंगा तो आप क्या करेंगे, आप मुझे किसी और को ही प्रेफर करेंगे कि यार ये लड़के हैं मेरा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप इनसे ही काम करवा लें। और हमारा ज़्यादातर जो काम है अब इससे हमारा काम जो है वो ऐसा चल रहा है, अब हम मुश्किल है कि इतना हम फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। हाँ, ये नहीं कि क्लाइंट विनिंग छोड़ दिए, क्लाइंट विनिंग आपने कभी नहीं छोड़नी, आपने वहाँ कंसिस्टेंसी रखनी है। जब तक आपकी एक टीम नहीं बन ये बन जाती, आपकी वर्क में एक एजेंसी नहीं होती जब तक, क्योंकि वर्क से आपने जब तक एक बंदे हायर नहीं किए हैं तो आपने क्या करना है कि काम को स्टॉप नहीं करना है, काम आपने कभी स्टॉप नहीं करना है। दूसरा आपने क्या करना है, साथ साथ अपनी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं उनको आप नोट करना। ये जो सारा मैं भी बता रहा हूँ ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ हुआ है। क्या हुआ है कि छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, आप उसे सीखते रहते हैं। आप छोटी छोटी मिस्टेक है उनको आप लिखते भी रहें, साथ साथ जो मिस्टेक हो आप वो मेंटोर्स से भी पूछें, सीनियर्स जो हैं आप उनसे भी डिस्कस करें, उससे क्या होगा आपको सीखने का मिलेगा। दूसरा क्या है कि सर अभी अगर करंटली मैं बात करूँ तो अलहमदिल्ला मेरी एक एजेंसी चल रही है दाई कॉमर्स स्क्वाड के नाम से, बहुत अच्छी एजेंसी है। और दूसरा ये है कि हम करंटली प्राइवेट लेबल की सर्विसेज और होलसेल की सर्विसेज मतलब दे रहे हैं इसमें ना, और हम जो क्लाइंट अभी विन कर रहे हैं, फिलहाल हम जो क्लाइंट विन कर रहे हैं हम कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं एंड कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू हम क्लाइंट विन करते हैं ज़्यादातर। मोस्टली को यहाँ नहीं पता होगा कि कोल्ड ईमेलिंग क्या होती है और कोल्ड कॉलिंग क्या होती है। सिर्फ क्या होता है कि जब आप अमेजोन पर जाते हैं तो वहाँ ब्रांड की कुछ डिटेल होती है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है यूटोपिया जो कि बहुत अच्छे सेलर है। आप क्या करें उनकी, आपने ब्रांड नेम लिया, आप गूगल पे जाएं उनको सर्च करें, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालें, आप उनको ईमेल कर दें सिंपल सा कि आप सर्विसेज दे रहे हैं। अब इस तरीके से भी मतलब क्लाइंट्स को विन कर सकते हैं। क्या है कि कंसिस्टेंट रहना है इस काम में और स्ट्रगल करनी है। अगर आप यही सोचते हैं कि स्ट्रगल नहीं है सिर्फ मैंने सक्सेस ही ले ली है तो फिर क्या है कि आपको मुश्किल है कि सक्सेस मिले, फिर आप मतलब ऐसे ही बैठे रहेंगे, डिमोटिवेट नहीं होना है इस फील्ड में एक्चुअली, इसका यह मतलब। अच्छा एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इफ वी आर जस्ट गेटिंग क्लिक्स, मैं शो भी करवा देता हूँ, व्हाट इफ वी आर जस्ट गेटिंग क्लिक्स एंड नॉट ऑर्डर्स ऑन फाइवर। तो ये क्वेश्चन आया है एसएनएलडी की इसका तरफ सर से। जी, एसएनएलडी इसका ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपकी या तो जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होती, दूसरी चीज आपकी जो इमेज आपने लगाई हुई है, जैसे हमने पीछे भी इमेज की बात करी है, तीन इमेजेस आप यूज कर सकते हैं, आपकी इमेजेस हो सकती है इतनी अट्रैक्टिव ना हो। इमेजेस क्या है कि तीन इमेजेस हैं, आप किसी डिजाइनर से बनवा रहे हो और अच्छे से बनवा लें, ठीक है। और दूसरा क्या है कि क्या आप मतलब वहाँ रैंक भी कर रहे हैं, कि आपके पास रिव्यूज़ हैं तो आप उस तरीके से देख लें। हाँ, अगर आपके पास रिव्यू नहीं है तो आपके जो आसपास में कुछ वर्क मेंबर होंगे या मतलब इंटरनेशनल जो क्लाइंट वगैरह हैं आप उनको भी कह सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। ओके, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि शहरयार फर्स्ट क्लाइंट या फर्स्ट ऑर्डर आपको कहाँ से मिला, कोर्स का कितना टाइम, कितने टाइम बाद मिला। अच्छा, ये मेरा इमरान ऐसा था पठान कि साहब की तरफ से मैं, क्वेश्चन। जी, इरफान भाई, मेरा कुछ ऐसा था कि मैंने 3 दिन मतलब तीसरी क्लास थी और मुझे पहला क्लाइंट मिल गया था, और उसकी हमने 2 महीने के अंदर को प्राइवेट लेबल जो है वो लॉन्च कर दिया था, और वो क्लाइंट जो मुझे मिला था वो फेसबुक से मिला था। जी चलें, यही है। और एक क्वेश्चन है सोबिया का के बट जो वर्क ज्वाइन ना कर सके सिटी इशू की वजह से, तो पहले तो एहसन साहब मसला ये है कि अगर आपके शहर में नहीं है तो आप पहले सपोर्ट पे बताएं कि हमारे शहर में वर्क नहीं है या हमारे शहर में इनेबलर्स नहीं है, एंड देन वी विल सी व्हाट व्हाट वी कैन डू टू ओपन द ऑफिस हेयर और ब्रांच ऑफिस हेयर। तो आप सपोर्ट पे कॉल करके ये चीज़ बताएं कि वी डोंट हैव वर्क ऑफ इनेबलर ऑफिस इन योर सिटी। ठीक है जी, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा शहरियार का, एक डिटेल्ड सेशन दिया आपने शहरियार क्लाइंट विनिंग पे और बहुत ज़बरदस्त सेशन किया आपने, और आई बिलीव कि जो भी आपने स्ट्रेटजीज बताई हैं शेयर की हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आई बिलीव दैट वुड हेल्प इनेबलर स्टूडेंट्स एज वेल एज जो के इनेबलर्स के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं और जो फॉलो कर रहे हैं इनेबलर्स को, वो भी डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, एंड वी विल बी सर्विंग कम्युनिटी सर्विस एज वेल कि हम जो कर रहे हैं ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स के थ्रू और ईवीएस के थ्रू स्पेशली, तो
ईवीएस के थ्रू आप अप्लाई भी करें और घर में उसको देखें, समझें। आप अगर सिर्फ ईवीएस को ही अच्छी तरह थॉरली समझ लें, देख लें, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू वर्क ऑन ई कॉमर्स और स्पेशली अमेजॉन, एंड देन यू कैन विन क्लाइंट फ्रॉम द वीडियोज। काफ़ी मेंटोर्स के थ्रू वहाँ वीडियोज दी गई हैं क्लाइंट विनिंग स्ट्रेटजीज पर। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर, फॉर बींग पेशेंस, एंड थैंक यू शेरियार। अल्लाह हाफिज़। जी सर।